हेलो बच्चों हमने ईएम वेव्स का चैप्टर ख़त्म किया है अभी तो अब हम उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रीवियस सी सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चंस तो पहला क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग तो ये किसके कारण बना था इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने के कारण से बड़ा था बना था एपसाइलम नॉट डी फाइव ई बाई डी टी फ्लक्स चेंज हुई थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो बना था मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई थी तो डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है यही इसकी डेफिनेशन होती है तो फर्स्ट इज दी राइट आंसर अब सेकेंड है हाउ इज़ द डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग अब डिस्प्लेसमेंट करंट बनता कैसे है उन्होंने हमसे ये पूछा है तो हाँ डिसप्लेसमेंट करंट कैसे बनता है जब ये हम कैपेसिटर जो है ये चार्जिंग करते हैं इसकी तो मान लो पहले एक चार्ज पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव आया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी फिर उसके बाद प्लस आया या माइनस आया अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनक्रीज़ कर गई अब तीसरा चार्ज आएगा तो और इनक्रीज़ कर गई तो जब तक चार्जिंग होती रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती रहेगी जिसके कारण क्या बनेगा डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा और डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है आई डी इज इक्वल टू डी फाई ई बाई डी टी अब क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा कि द चार्जिंग करंट फॉर द कैपेसिटर इज दिस मतलब कि चार्जिंग मतलब कंडक्शन करंट आई सी आई सी जो है वो जीरो पॉइंट टू फाइव है एम्पियर वट इज़ द डिसमेंट करंट अक्रॉस इट्स प्लेस तो डिसप्लेसमेंट करंट क्या होगा हमने आपको ये पढ़ाया है कि हमेशा कंडक्शन करंट या चार्जिंग करंट हमेशा डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है तो अगर चार्जिंग या कंडक्शन करंट को आपको जीरो पॉइंट टू फाइव एमपियर दे रखा है तो डिसप्लेसमेंट करंट भी ज़ीरो पॉइंट टू ही होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ डिसप्लेसमेंट करंट ये हमने अभी किया है कि फ्लक्स चेंज होने के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो गया कारण जो करंट बनता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे हैं तो ये हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कंडक्शन करंट कंडक्शन करंट फ्लो ऑफ चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स होता है आई इज़ इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी और डी आई डी इज इक्वल टू एपसाइलमॉर डी फाई ई बाई डी टी ये कंडक्शन करंट तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए एक प्लेट एरिया ए है उसका कैपेसिटर का का प्लेट्स का एरिया ए है तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एक कैपेसिटर ले लेते हैं जिसकी प्लेट का एरिया जो है वो ए है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है वो डी है और इसको हमने चार्ज किया है एसी से शो दैट द डिस्प्लेसमेंट करंट इनसाइड द कैपेसिटर इज सेम एज़ कंडक्शन करंट तो उन्होंने क्या बोला है एक कैपेसिटर उन्होंने लिया है तो कपैसीटर के बीच का डिस्टेंस डी है प्लेट का एरिया अगर ए है और हमने इसको डी सी से नहीं बल्कि ए सी से चार्ज किया है और हमने प्रूव करना है कि आई डी इज़ इक्वल टू आई सी होता है तो पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि जो कपैसीटर होता है वो डी सी को ब्लॉक करता है लेकिन वो ए को फाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ये हम पिछले चैप्टर ए में पढ़ के आए हैं कि जो ए, आपका कैपेसिटर है ये डीसी को ब्लॉक करता है तो जब ये एसी को पास होने देता है थोड़ा थोड़ा तो उससे क्या मतलब है कि ये जो है जो कंडक्शन करंट है या चार्जिंग करंट है ये इस कैपेसिटर को क्या कर देंगे चार्ज कर देंगे तो यहाँ पर क्या पैदा होगा यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट करंट पैदा होगा और डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला होगा एप्स एलम डी फाई ई बाई डी टी अब हमको बोला गया है कि आप प्रूव करो कि डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर है अब हमें कंडक्शन कर डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला अब तो पता है और हमें प्रूव करना है इसको डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर डिस्प्लेसमेंट करंट के सॉरी कंडक्शन करंट के बराबर तो कंडक्शन करंट का फार्मूला था डी क्यू बाई डी टी उसके इक्वल हमें इसको प्रूव करना है अब आपको पता है कि जो फ्लक्स है वो ई इंटू ए होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर तो एरिया वेक्टर तो हमने ई एफसाइलम नॉट डी बाई डी टी अब आपको ये बात पता है कि कैपेसिटर के लिए एक प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एप्सायलम अपॉन सिग्मा अपॉन टू एप्साइलम नॉट होती है और दो के लिए कितनी होती है मल्टीप्लाई बाय टू तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गई वो आपकी क्या हो गई डी बाय डी टी को एज इट इज़ लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सायलम नॉट इनटू ए ये हो गई अब आपको पता है कि सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है ये होती है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाई ए तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी एप्साइलम नॉट ये बाहर ले आओगे एप्सायलम नॉट और सिग्मा की जगह क्या लिख दोगे क्यू बाई ए इंटू ए।, ए से ए गया से ए से ये गया तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो डी क्यू बाई डी टी ये इक्वल आ गया जो कि किसके इक्वल हुआ फर्दर आई सी के इक्वल होता है तो हमें यह प्रूव करने के लिए बोला गया था कि प्रूव करो कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल होते हैं तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट जो है वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज एम्पियर मैक्सवेल लॉ एक्सप्लेन्स द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कैपेसिटर व्हेन इट इज़ बीइंग चार्ज बाय द बैटरी राइट द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो क्वेश्चन है हमारा उस हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि एम्पियर सर्किटर लॉ से प्रूव करना है हमने हाउ डज़ एम्पियर सर्किटर लॉ एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ करंट दी कैपेसिटर वेट इट इज़ बिंग चार्ज तो उन्होंने क्या बोला कि जब हम यहाँ पर पी पॉइंट लिया करते थे यहाँ पर कौन सा करंट होता था कंडक्शन करंट होता था आई होता था या चार्जिंग करंट होता था तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है B dot dl is equal to mu not नॉट आई सी ये हमारा मैक्सवेल ने दिया था तो हमने ये बोला था जहाँ पर कंडक्शन करंट होगा वहाँ पर आई डी किसके होगा ज़ीरो के बट जहाँ पर आई सी आई डी होगा मतलब कैपेसिटर के बीच में आई डी होगा तो वहाँ पर आई सी इक्वल होगा जीरो के तो जहाँ पर आई डी जीरो होता है वहाँ पर बी डॉट डी एल हो जाता है म्यू नॉट आई सी के बराबर और जहाँ पर आई सी ज़ीरो होता है वहाँ पर बी डॉट डी एल हो जाएगा म्यू नॉट आई डी के बराबर तो इसकी अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो बी डॉट डी एल इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी जब सी जीरो हुआ तो म्यू नाट आई डी के बराबर डी ज़ीरो हुआ तो म्यू नाट आई सी के बराबर ये हो गया द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ वाई डज करंट इन अ स्टडी स्टेट स्टडी स्टेट मतलब डी सी नॉट द कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी तो क्योंकि जो रेज हमारा कैपेसिटर है वो ऑफ़र करता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू एसी सॉरी डीसी डीसी को वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जो है वो ऑफ़र करता है इसीलिए डीसी जो है उसमें से पास नहीं होती है कैपेसिटर में से लेकिन चार्जिंग के दौरान क्या होता है और डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होता है करंट दिखाई देता है क्योंकि डिस्चार्जिंग के थ्रू जो जब डिस्चार्जिंग हो रही होती है तो जो हमारा करंट है वो कहाँ से कहाँ पर फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है जब हमारी डिस्चार्जिंग हो रही है और जब हमारी चार्जिंग हो रही है तो उल्टा होता है नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है करंट इसलिए हमें मोमेंट्री करंट दिखाई देता है जब चार्जिंग या डिस्चार्जिंग हो रही होती है तो ये था हमारा अब हमने ये क्वेश्चन है कि डी को वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्यों ऑफर करता है क्योंकि कैपेसिटर जो है कैपेसिटर का जो एक्ससी होता है वो वन ओमेगा सी के बराबर होता है और वन ओमेगा सी कितना होता है टू बाई न्यू सी ये एक्सी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब ऑपोजिशन कैपेसिटर में कैपेसिटर में ऑपोजिशन को एक्सी बोलते हैं एक्सी इज इक्वल टू वन अपॉन टू बाई न्यू सी आपको पता है डीसी की न्यू कितनी होती है ज़ीरो होती है फ्रीक्वेंसी तो वन बाई जीरो कितनी हो गई इन्फिनी तो जो आपकी रेजिस्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो इसने सबसे ज़्यादा ऑफर करी इनफाइनाइट तो फिर डीसी फ्लो नहीं करता है और एसी फ्लो करता है क्योंकि वो सिर्फ फ़ाइनाइट वैल्यू ऑफ़ रेजिस्टेंस लगाता है कैपेसिटिव रेजिस्टेंस रिएक्टेंस टू डी ए तो एसी को वो पास होने देता है और डीसी को वो पास होने नहीं देता कैपेसिटर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट मैक्सवेल जर्नलाइजेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ शो दैट इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग कैपेसिटर द करंट प्रोड्यूस्ड विद इन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज दिस अब चार्जिंग के दौरान क्या होता है आपको बता दूँ चार्जिंग के दौरान पॉजिटिव में करंट जाता है और नेगेटिव से करंट निकलता है ये तो होता है चार्जिंग के दौरान जब चार्जिंग हो रही होती है जर्नली क्या होता है पॉजिटिव से निकलता है करंट और नेगेटिव में जाता है लेकिन ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर उल्टा होता है नेगेटिव से निकलता है और पॉजिटिव में जाता है अब हमें ये प्रूव करना है कि शो दैट द प्रोसेस इन प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर द करंट प्रोड्यूस इन प्लेट इज दिस अब हमें ये प्रूव करना है कि चार्जिंग हो रही है तो हमें यह पता होना चाहिए जब चार्जिंग होती है तो क्या होता है जब चार्जिंग होती है तो फ्लक्स में चेंज आता है जब फ्लक्स में चेंज आता है तो डी बाई डी टी फाई की वैल्यू क्या होगी फ्लक्स फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी ई इंटू ए होगी अब ई इंटू ए क्या होता है इसके लिए सिग्मा अपॉन एप्साइलम नोट हमने पहले भी किया था इसको अब डी बाई डी टी इज इक्वल टू सॉरी इंटू क्यू बाई एफ सैलम नाट इन ए हमने सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई ए डाल दी ए से ए कट गया तो ये वन अपॉन एफ सैलम नॉट डी क्यू बाई डी टी आ गया इज इक्वल टू डी फाई ई बाई डी टी हमने डी क्यू बाई डी टी को आई डी माना और आई डी एफ सैलम ऊपर चला गया डी फाई ई बाई डी टी ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या निकल आया फार्मूला निकल आया किसके दौरान निकला ये चार्जिंग के दौरान एक ऐसा करंट पैदा हुआ जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट करंट बोला और डिस्प्लेसमेंट करंट किस कारण से पैदा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने के कारण से तो हमने वहीं से शुरुआत करी थी कि चार्जिंग हो रही है फ्लक्स चेंज हो रही है फ्लक्स का फार्मूला ई इंटू ए ई का सिग्मा अपॉन एप सैलम नॉट सिग्मा का क्यूब बाय ए तो हमने डी क्यू बाई डी टी को आई डी मान लिया एफ सैलम नॉट डी फाइव बाई डी टी उसका फॉर्मूला निकलाया नाओ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एक्सप्रेशन फॉर द जर्नलाइज फॉर्म ऑफ एम्पेयर सर्कूटर लॉ पहले तो हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं जर्नलाइज फॉर्म ऑफ एम्पेयर सर्कटर लॉ उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन पढ़ेंगे करेंगे तो फिर आपके पास जो जर्नलाइज फॉर्म है ये है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी ये आपकी जर्नलाइज फॉर्म है म्यू नॉट आई सी क्या होता है आई सी होता है डी क्यू बाई डी टी और आई डी क्या होता है एपसाइलम नॉट डी फाई ई बाई डी टी बी डॉट डी एल तो ये जर्नलाइज फॉर्म ऑफ हो गई एम्पियर सर्किट लॉ सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है डिस्कस द सिग्निफिकेंट एंड डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ द कंसेप्ट ऑफ डिससमेंट करंट इज एक्सप्लेन थ्रू दी चार्जिंग एंड डिस ऑफ द कैपेसिटर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट तो ये पूरी ही डिसप्लेसमेंट करंट की जो हमने सबसे पहले थ्योरी करी थी वो तो इसमें पूरी लिखनी है कि अगर हम यहाँ पर पी पॉइंट लेते हैं और यहाँ पर हम एम्पियर सर्किटर लॉ लगाते हैं तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई के इक्वल आएगा जो यहाँ पर करंट होगा वो कंडक्शन करंट है या चार्जिंग करंट हम लेंगे लेकिन यहाँ पर अगर हम क्यू पॉइंट लेते हैं यहाँ पर काटता हुआ कैम्पियर एक एक लूप बनाते हैं तो यहाँ पर बी डॉट डी एल इज़ इक्वल टू क्या आएगा म्यू नॉट इन टू जीरो क्योंकि यहाँ पर करंट इन साइड दम्पियरन लूप क्या है ज़ीरो है ये हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं तो बी डॉट डी एल इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई सी पी पॉइंट पर आएगा ये पी पॉइंट के लिए है और ये क्यू पॉइंट के लिए है लेकिन कॉन्टीन्यूटी के लिए यहाँ पर जो है हमने क्या देखा यहाँ पर करंट है तो उस करंट को हमने क्या नाम दिया उस करंट को हमने डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया और डिस्प्लेसमेंट करंट हमने किसके इक्वल लगाया एप्सायलम नॉट नौ, डी फाई ई बाई डी टी ये हमने पूरा एक्सप्लेन किया है तो वहाँ से हमारा जो आया एक्सप्रेशन वो बी डॉट डी एल इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी आया जब हम पी पॉइंट पर देख रहे हैं तो पी पॉइंट पर आई सी की वैल्यू है बट आई डी किसके इक्वल है ज़ीरो के तो उस केस में बी डॉट डी एल इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई सी हो जाएगा लेकिन अगर हम क्यू पॉइंट पर देख रहे हैं तो यहाँ पर आई सी की वैल्यू क्या होगी जीरो लेकिन आई डी क्या हो जाएगा म्यू नॉट म्यू नॉट सॉरी आई डी की कुछ वैल्यू हो जाएगी तो बी डॉट डी एल इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई डी हो जाएगी तो ये हमें हमें यही एक्सप्लेन करना था इसके अंदर पूरा कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है वही डिस्क्राइब करना था तो हमें ये पूरी तरह से डिस्क्राइब कर देना है ये हमने फर्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर इन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स आर तो पहला है प्रपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑपोजिट इन फेज उन्होंने बोला प्रपेंडिकुलर होते हैं हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपेगेशन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो परपेंडिकुलर तो होंगे ही परपेंडिकुलर दो दो ऑप्शन में परपेंडिकुलर दे रखा है ए और सी में तो ए होगा या सी होगा और उसके बाद हमने देखना है हमने ये पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टीज़ में कि दोनों इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक जो होते हैं वो सेम फेज़ में होते हैं उन दोनों का फेज सेम होता है तो सी इज़ दी राइट ऑप्शन परपेंडिकुलर टू इच अदर एंड इन द सेम फेज हमेशा इन फेज रहते हैं सेम फेज में रहते हैं एंगल चेंज नहीं होता है अगला क्वेश्चन है वट ऑसिलेट्स इन एन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी टेन मेगा हर्ट्स मतलब उन्होंने बोला है वेव जब चलती है उसमें क्या चीज़ ऑसिलेट करती है जिसकी फ्रिक्वेंसी ये है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स या फील्ड ऑसिलेट करती है इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव में इस फ्रिक्वेंसी के साथ अब डिपिक्ट द डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव प्रोपगेट्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपने वेव को एक्स एक्सेस में चलाना है और इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस में लेना है और अगर आपको चलाना वेव को एक्स एक्सेस में है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है तो बी ऑटोमेटिकली किस में हो जाता है जेड में हो जाता है तो हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं आप इसे एक बारी फिर से देख लो वो हमने पहले भी देखा था कैसे ड्रा करते हैं देखो इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या है ये हमने प्रोपेगेट करानी है एक्स डायरेक्शन में और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ली है वाई डायरेक्शन में तो अगर मैं ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेती हूँ तो मैंने इसको क्या मान लिया है वाई डायरेक्शन में मान लिया है ये हमारी ऊपर की साइड कौन सी डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन है तो हमने इसको वाई डायरेक्शन की साइड मान लिया अब हमने जेड डायरेक्शन ये होती है Z डायरेक्शन में मुझे क्या दिखानी है मैग्नेटिक फील्ड दिखानी है तो मैं ये ऐसे ऐसे Z डायरेक्शन हमें ऐसे ऐसे करके हम किस में दिखा देते हैं Z डायरेक्शन में और ये हमें तीसरी जो डायरेक्शन मिलती है उसे तो यहाँ लिख देना इलेक्ट्रिक फील्ड Y में मैग्नेटिक फील्ड Z में और प्रोपेगेशन किस में होगी एक्सिस में होगी तो इस तरह से हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं अब अगला क्वेश्चन है एलुस्ट्रेट बाई सिंपल एग्जाम्पल हाउ यू कैन शो द इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेवस कैरी बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम हमें ये प्रूव करना है कि इन इलेक्ट्रो मैगनीटिक वेव एनर्जी और मोमेंटम दोनों चीज़ें कैरी करते हैं अगर वो कैरी ना करते होते तो इलेक्ट्रो मैगनीटिक वेव फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना दिखा पाती ना ही वो उस अपना हीट इफ़ेक्ट दिखा पाती इसी हमें इससे पता चलता है कि दोनों चीज़ें कैरी करती अगर हीट बन रही है इसका मतलब वो एनर्जी कैरी कर रही हैं या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तो वो मोमेंटम कैरी कर रही हैं तो इससे हमें पता लगता है कि ये दोनों चीजें कैरी करती हैं मोमेंटम uh, और एनर्जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द स्पीड ऑफ ई एम वेव इन वैक्यूम डिटरमाइंड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हमने किया है इसका एक्सप्रेशन c इज इक्वल टू मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू ई नॉट बाय बी नॉट ये हम करके आए हैं c इज इक्वल टू ई नॉट बाय बी नॉट ये हम करके आए हैं तो यही एक्सप्रेशन उसने मांगा है डू इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेवस कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम हमने पता है कि इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव एनर्जी और मोमेंटम दोनों कैरी करती हैं क्योंकि अगर वो कैरी नहीं करती होती ना ही वो हीटिंग इफेक्ट दिखाती ना ही वो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा पाती है इन विच डायरेक्शन डू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर ऑसिलेट इन इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलॉन्ग एक्स एक्सेस अगर वो प्रोपेगेट एक्स में कर रही है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट वाई और जेड डायरेक्शन में होंगे तो दोनों तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं प्रपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपेगेशन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इसलिए अगर प्रोपेगेशन एक्स में है तो बाकी दोनों वाई और जेड में होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस अब उससे क्वेश्चन इन विच डायरेक्शन इज द वेव प्रोपेगेटिंग देखो मैंने थ्यूरी समझाते हुए भी बताया था आपको ये जो बीच में जेड के साथ लिखा हो एक्स के के साथ लिखा होता है ये हमें प्रोपेगेशन के बारे में बताता है तो वेव इज प्रोपेगेटिंग इन जेड डायरेक्शन इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स में है ई e के नीचे एक्स लिखा है अगर आप ध्यान से देखें तो बी तो हमेशा ऑटोमेटिकली किस में हो जाएगा वाई में हो जाएगा राइट टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव आपको ये प्रॉपर्टीज सारी पता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स की तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं तो ये हमारे। हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज करी हैं तो आपके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ग्राफ ऑफ लीनियरली एम प्रोपेगेटिंग इन जेड डायरेक्शन अब हमने जेड डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करानी है और इलेक्ट्रिक uh, और मैग्नेटिक फील्ड को वाई और एक्स डायरेक्शन में दिखाना है सेम ड्राम रहेगा बस हमने इस बार प्रोपेगेशन जो है एक्स के जेड में दिखानी है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइड द रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट एंड एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड स्पीड ऑफ लाइट सी इज इक्वल टू अभी अभी हमने किया था सी इज़ इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट ये हमारा रिलेशन है वेलोसिटी ऑफ लाइट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और दूसरा रिलेशन है फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी एंड परमिटिलिटी आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट का दूसरा फार्मूला है अंडर द रूट मीओ नॉट इन टू एप्सैलम नॉट अगर वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही हूँ तो वट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट मोमेंटम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट मोमेंटम का मतलब हुआ जब कोई वेव किसी मटीरियल से जाके टकराएगी ये इलेक्ट्रो तो मैग्नेटिक वेव को मोमेंटम कैरी करती होगी तो जब वो किसी के साथ जाके टकराएगी सॉलिड मटीरियल के साथ या तो वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी या फिर वो क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो ये है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रो वेव ट्रांसपोर्ट्स मोमेंटम या तो वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी या कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी और अपना मोमेंटम भी क्या कर देगी और एनर्जी भी क्या कर देगी ट्रांसफ़र कर देगी तो इसका ये मतलब होता है इलेक्ट्रो वेव्स ट्रांसपोर्ट मोमेंटम